हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय सेल्फ गौरी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माय स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 36। कार में बैठो जॉन। मुंबई शहर, रात का वक्त। तभी उसके कैबिन में किसी लड़की की आवाज आती है। मैं कमिंग सर। अब आगे रुद्र फाइल को घूरते हुए करक आवाज में बोला, कमिंग। रुद्र की करक आवाज सुन बाहर खड़ी एम्प्लॉय रूही एक पल के लिए डर जाती है, लेकिन फिर हिम्मत कर अंदर आती है। फिर एक फाइल आगे करते हुए रुद्र से बोली, सर, अहुजास कंस्ट्रक्शन की फाइल। रुद्र उसके हाथ से फाइल ले उस फाइल को पढ़ने लगता है। इधर रूही एक तक रुद्र के चलते हुए होठ को ही देख रही थी। कुछ सोच उसके गाल लाल हो गए थे। इधर रुद्र को जब खुद के ऊपर रूही की नजरें महसूस होती हैं, वो गुस्से से रूही को घूरते हुए करक आवाज में बोला, समथिंग एल्स। रूही शर्मिंदगी से अपना सिर ना महिलाती है। देन लीव। रुद्र करक आवाज में बोला। रूही जल्दी से अपने सिर को झुका कैबिन से बाहर निकल जाती है। इधर जानवी एक फाइल पढ़ रही थी, तभी उसके टेबल में रखा टेलीफोन रिंग करता है। जानवी कॉल रिसीव कर कुछ बोलती इससे पहले दूसरी तरफ से आवाज आती है, जान कम टू माई कैबिन राइट। लेकिन इससे पहले रुद्र आगे कुछ बोल पाता, जानवी सीधे कॉल काट देती है। इधर रुद्र फोन को घूरते हुए बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया स्वीट हार्ट, यू हैव टू पे फॉर दिस। इतना बोल वो फोन रख देता है। शाम के 6 बजे ऑफिस में ईशा बोली, जानवी घर चले। जानवी अपना काम करते हुए बोली, तू जा, एक्चुअली मुझे कुछ ईमेल सेंड करने हैं और कुछ पेंडिंग वर्क से जो ख़त्म करना है। इट्स ओके, मैं तेरा वेट करती हूँ, ईशा बोली। जानवी उसको मना करते हुए बोली, नहीं नहीं तू जा, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। ईशा बोली, मैं वेट कर लूँगी। जानवी थोड़ा गुस्से से बोली, कितनी जिद्दी है तू, मैंने कहा ना जा, और वैसे भी तेरा और मेरा रास्ता अलग है। अच्छा अच्छा जा रही हो, गुस्सा क्यों कर रही है, ईशा हार मानते हुए बोली। इतना बोल वो ऑफिस से बाहर निकल जाती है। इस वक्त ऑफिस में गिने चुने एम्प्लॉय से बचे थे। डेढ़ घंटे बाद जानवी एक फाइल पन कर गहरी सांस लेकर बोली, फाइनली हो गया। इतना बोल वो अपना फोन ले ऑफिस से बाहर निकल जाती है। रास्ते में जानवी अपनी स्कूटी चला रही थी, लेकिन तभी अचानक से 3-4 गाड़ियां उसकी स्कूटी को घेर लेती हैं। ये देख जानवी जल्दी से ब्रेक लगाती है। वहीं एक गाड़ी का दरवाजा खोल रुद्र बाहर निकल जानवी की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। रुद्र को देख जानवी की पकड़ हैंडल पर कस जाती है। जानवी के पास पहुंच रुद्र जानवी को देखते हुए बोला, चलो। जानवी अपना मुंह फेर कर बोली, मुझे नहीं जाना। जानवी ने इतना कहा ही था कि तभी गोली चलने की आवाज आती है और उसी के साथ एक बॉडीगार्ड की दर्दनाक चीख। उस बॉडीगार्ड के सिर के बीचों बीच रुद्र ने गोली चलाई थी। वहीं ये नजारा देख जानवी पूरी तरह घबरा गई थी। उसके हाथ और पैर ठंडे पड़ गए थे। वो उस बॉडीगार्ड की डेड बॉडी देख रुद्र से गुस्से से बोली, ये कि तुमने क्या किया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम कार में बैठो जॉन। रुद्र बीच में ही बोला। इसकी बात सुन जानवी गुस्से से बोली, मैं। तभी एक और गोली चलती है जो सीधे एक बॉडीगार्ड के बाजू को छू जाती है। ये देख जानवी कान बंद कर चिल्ला कर बोली, स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट, चल रही हूं मैं तुम्हारे साथ। फिर स्कूटी से उतर कर नीचे देखते बोली, मेरी स्कूटी। रुद्र उसको गोद में उठा के बोला, मेरा ड्राइवर ले जाएगा। ये क्या कर रही हो तुम, छोड़ो मुझे। जानवी उसकी बाहों में छिटपटाते हुए बोली, लेकिन रुद्र उसको कस के पकड़ कार की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। फिर पैसेंजर सीट का दरवाजा खोल जानवी को अंदर बैठा सीट पर लगाता है। फिर अपनी तरफ का दरवाजा खोल अंदर बैठ गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ जाता है। वही जानवी सीट बेल्ट को कस कर पकड़ खिड़की से बाहर देख रही थी। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।